Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu Alaikum dear students. Welcome you all in the biochemistry MCQs bank. This is part 4 of MCQs on lipids and metabolism of lipids. Before this, we have discussed three parts up to 200 MCQs on lipids and metabolism of lipids. You can find the link of uh, the first three parts in the description. MCQs number 201

कंपोनेंट या किसके बैकबोन में स्वेंजोसिन नहीं होता तो लिसिथीन में स्वेंजोसिन एब्सेंट होता है फैटी एसिड दैट इज नॉट सिंथेसाइज इन मैन तो वो फैटी एसिड जिसका डाइट में होना जरूरी है जो मैन में सिंथेसाइज नहीं होता जिसको हम एसेंशियल फैटी एसिड कहते हैं तो इन ऑप्शन में से लिनोलिक एसिड जो है ये मैन में सिंथेसाइज नहीं होता इट शुड बी प्रेजेंट इन द डाइट तो इट इज एसेंशियल फैटी एसिड तो लिनोलिक एसिड इज एन इज एसेंशियल फैटी एसिड। मेजर लिपर्स दैट मेक अपल मेम्रेन और सेल मेम्ब्रेन में जो मेजर लेपर्ट पाया जाता है उसको हम फासोलेपट कहते हैं जो बैकबोन ऑफ द फासो बनाता है बेचाती फॉलिंग इज नॉट एसोसिएटेड विद एथिर तो इनमें से कौन सा ऐसा लिपड है ऐसा जो लिपोप्रोटीन है जो एथिरोसिस के साथ एसोसिएट नहीं है मीन हार्ट रिलेटेड डिजीज के साथ जो हार्डनिंग ऑफ द आर्टरीज के साथ एसोसिएटेड नहीं है तो वो है गुड कोलेस्ट्रोल तो गुड कोलेस्ट्रोल इसमें होता है एच टी एल हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन तो हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन को हम गुड कोलेस्ट्रोल कहते हैं ये एथिरोसिक्रोसिस में इसका एसोसिएशन नहीं है

फैट फ्री डाइट फ्रॉम बर्थ वुड बी डेफिशियंट इन जब फैट फ्री डाइट होगा तो उसमें किसकी डिफिशियंसी होगी प्रोस्टोलट की दिस लिपो प्रोटीन इज प्रोड्यूस थ्रू द एक्सोजीनियस लिपो प्रोटीन पाथवे एक्सोजीनियस लिपो प्रोटीन पाथवे से काइलोमाइक्रॉन सेंसिस होती है द एंजाइम सिस्टम फॉर लेंथनिंग एंड शॉर्टनिंग फॉर सेचरेटिंग एंड डिस

बायोलॉजिकल फंक्शंस ऑफ लिपर्स इंक्लूड अब बायोलॉजिकल के फंक्शन बायोलॉजिकल फंक्शन ऑफ लिपर्स में सोर्स ऑफ एनर्जी है सेल्स इंसुलेटिंग मटेरियल मेंटेनेंस ऑफ सेल और इंटीग्रिटी ऑल ऑफ दीस क्योंकि ऑप्शन दिया हुआ है उसमें ऑल ऑफ दीस बेस्ट आंसर है स्पोनिफिकेशन मींस हाइड्रोलिसिस ऑफ फैट्स बाय तो स्पोनिफिकेशन में फैट्स को हाइड्रोलिसिस होती है अल्कली

ट्रांसपोर्ट होती है वो एल डी एल की फॉर्म में होती लोड है लोडेंसिटी लिपोप्रोटीन ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ क्यूज ये तीनों कन्फ्यूजिंग है लेकिन इनको मेमोराइज करना पड़ेगा कि जो लिपोप्रोटीन रिचेस्ट इन द कोलेस्ट्रोल वो एल डी एल है जब ट्राइग्लिसराइड लिवर से एक्स्ट्रापेयर टिश्यू में ट्रांसपोर्ट वी एल डी एल है और जो कोलेस्ट्रोल जब लिवर से एक्स्ट्रापेयर टिश्यू में होगा तो वो एल डी एल है फॉस्फोलिपिड आर इंपोर्टेंट सेल मेम्ब्रेन कंपोनेंट्स सेंस अब फॉस्फोलिपिड की इंपॉर्टेंस क्यों है सेल मेम्ब्रेन में बिकॉज़ दे हैव बोथ पोलर एंड नॉन पोलर पोर्शन या हाइड्रोफिलिक भी होता है और हाइड्रोफोबिक होता है इसको हम एम पैथिक कहते हैं व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉस्फोलिपिड इनमें से कौन सा फॉस्फोलिपिड नहीं है तो गैंग्लियोसाइड फॉस्फोलिपिड नहीं है अ कप ऑफ स्ट्रांग कॉफी वुड बी एक्सपेक्टेड टू अब कफ कॉफी uh, का क्या फायदा है इनहानस द इफेक्ट ऑफ इपिनि ह्यूमन मोस्ट ईजिली टॉलरेट ऑफ विच ऑफ कौन सा न्यूट्रंट ऐसे है जिसकी डिफिशेंसी को ह्यूमन टोलरेट कर सकते हैं तो कार्बोहाइड्रेट्स है की डिफिशेंसी को टोलीरेट किया जा सकता है क्योंकि ग्लूको में जो नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स है हैं, वो भी ग्लूकोज बना सकते हैं रेट कंट्रोलिंग स्टेप्स ऑफ कोलेस्ट्रॉल बायोसेंट्रिसिस इज़ जो कोलेस्ट्रॉल की बायोसेंट्रिसिस होती है उसमें रेट कंट्रोलिंग स्टेप होता है HMG कोइंज़ाइम ए मीवालोनिक एसिड प्लस कोइंज़ाइम ए HMG हाई मोबिलिटी ग्रुप कोइंज़ाइम ए विच आर द फॉलोइंग ट्रांसफर फैटी एसिड फ्रॉम साइटोसोल टू माइटोकॉन्ड्रिया अब जब फैटी एसिड की एक्टिवेशन होती है तो उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए एक मालिक्यूल जिसको बोलते हैं कार्निटीन इसको बोलते हैं कार्निटीन शटर तो कार्निटीन इज रिस्पांसिबल फॉर द ट्रांसफर ऑफ फेट फ्राम साइट्रोसोल्टू माइट्रोक्रियो फोर्टीन कार्बन से फोर्टीन कार्बन है तो उसमें कितने बीटा ऑक्सीडेशन साइकिल होंगे तो इसका फार्मूला ये होता है जितने कार्बन होते हैं उसको डिवाइडेड बाई 2 करके माइनस 1 कर देते हैं अब ये 14 है तो इसको डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो 7 आ जाएगा माइनस 1 तो इसमें

एथेरोस्क्लेरोसिस के लिए एंटी अगेंस्ट प्रोटेक्टिव है जो हम पहले भी एकम सीयूज़ में डिस्कस कर चुके हैं कि कौन सा लिपोप्रोटीनस है जो एथेरोस्क्लेरोसिस में रोल प्ले नहीं करता वही हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन एचडीएल है मिक्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ डबल बॉन्ड प्रेजेंट इन एसेंशियल फैटी एसिड एसेंशियल फैटी एसिड में जो मैक्सिमम नंबर बॉन्ड हो सकते हैं दैट आर फोर सीरी ब्रोसाइड और कंपोज्ड ऑफ जब सीरी ब्रोसाइड को हम हाइड्रोलाइज करेंगे तो इसके बाद इसके कंपोनेंट होते हैं स्फिंजोसीन फेटी एसिड एंड गलेक्टोज इसका मतलब है सीरी ब्रोसाइड की जो कंपोजिशन है वो स्फिंजोसीन फेटी एसिड और गलेक्टोज है How many ATPs are produced when palmitoyl coenzyme A, a 16 carbon saturated fatty acid, is oxidized completely to carbon dioxide and water? When palmitoyl coenzyme A, which 16 carbon सिट्रेटरी फैटी एसिड है इसको जब हम हाइड्रोलाइज करेंगे बीटो ऑक्सीडेशन से तो कितने एटीपी बनने चाहिए इट शुड प्रोड्यूस 129 एटीपी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंटरमीडिएट इन द ऑक्सीडेशन ऑफ ऑक्टेन फैटी एसिड इज लाइकली टू अपीयर इन द यूरिन इन विटामिन बी12 डेफिशिएंसी तो इसमें जो इंटरमीडिएट बनता है वो मिथाइल मेलोनिक एसिड बनता है जबकि जो लास्ट में बनेगा वो प्रोपाइल कोएंजाइम ए बनेगा

इट रिक्वायर बायोटीन इज अ कोफैक्टर तो फैटी एसिड सिंथेस को बायोटीन कोफैक्टर नहीं चाहिए होता 235 एमसीक्यू इज बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड इन लिवर तो बीटा ऑक्सीडेशन हमेशा माइटोकांड्रिया में होता है रिपीटेड एमसीक्यूज है ये द एलिफैटिक मोनोकार्बोक्सिक एसिड आर ऑब्टेन बाय द हाइड्रोलाइसिस ऑफ तो मोनोजोकार्बोक्सिक एसिड होते हैं वो हमेशा फैट्स और ऑयल से मिलते हैं हमें An acid with smell. अब कौन से एसिड इनमें से ऐसे है जिसकी अनप्रेजेंट स्मेल है तो वो ब्यूटोरिक एसिड होता है स्ट्रॉगेस्ट एसिड फार्मिक एसिड इज the ऑफ तो juice? तो लेमन जूस में citric acid होता है फॉर्मूला ऑफ पाल्मेट्रिक एसिड पाल्मेटिक एसिड में सिक्सटीन कार्बन होते हैं इसमेंगे किसमेंटीन है सी फिफ्टीन और सी सिक्सटीन तो सी फिफ्टीन एच थर्टी फार्मूलाइक्रोकॉन्ड्रिया एंड माइक्रोसोमिकसिड जो इथानोल से बनता है उसको हम एसिटिक एसिड कहते हैं लाइसोलिसिथिन इज फॉर्म फ्रॉम द लिसिथिन बाय द रिमूवल ऑफ लिसिथिन से हम लाइसोलिसिथिन बनाते हैं तो ये कैसे बनेगा ये टू पोजीशन से फैटी एसिड को रिमूव करने से जब फैटी एसिड को टू पोजीशन से रिमूव करेंगे तो लाइसोलिसिथिन बनेगा स्फिंजोसिन इज सिंथेसाइज फॉर्म तो सिंजो स्फिंजोसिन इज सिंथेसाइज फॉर्म पाल्मिटाइल कोएंजाइम एंड सेरिन For synthesis of sphingosine, all of the following coenzymes are required, except NAD is not required for the sphingosine synthesis. Fats are solids at 20 degrees centigrade. The main physiological buffer in the blood is the blood mein, jo main physiological buffer of bicarbonate. Hai. फॉलोर्सलीफ दर्डियोलर डिजीज इनमें से कौन सा ऐसा है जिसकी मौजूदगी से कार्डियोवास्कुलर डिजीज की कम से कम होती है तो वो है एच जिसको हम हाई डेंसिटी कहते हैं जो गुड कोलेटोर है तो पहले बी जी हो चुका है रिपीट स्टेटमेंट के साथ Which The last MCQs of this lecture is the abundantly distributed enzyme in germinating seeds and adipocytes. So, wo enzyme jo germinating seed and adipocytes is lipase. Hota hai, lipids ko hydrolyze. Karna hota hai. Thank you so much. This is all about the 50 MCQs, part 4 of the lipids and metabolism of lipids in, in next lecture we will discuss about the part five of leopard and metabolism of lipid mcqs